आप देखिए जिस तरह से प्रीति जी यहाँ के धरने की सारी वीडियो लाइव दिखा रही हैं कि किस तरह से सड़कों पर बैठे हुए हैं, और मुझे तो लग रहा था ये सब लोग आसपास से आए हुए बैठे हुए हैं धरने के ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई आप लोग घर चले जाइए, दिवाली मनाइए जाके, एटलीस्ट दिवाली के दिन आप दिए जलाइए, ताकि जो है कल जो आज अंधकार आपको दिख रहा है आपके जीवन में, कल वो प्रकाश लेके आए, उजाला लेके आए। लेकिन अब ये कह रही है कि हम घर कैसे चले जाएं, कोई सहारनपुर से आया है तो कहीं से आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कोई आसपास से लोग आए हुए हैं। और ये मतलब एक होता है ना, जैसे लोगों को लगता है, कुछ लोग कह देते हैं जी पिकनिक मनाने गए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, अपने दर्द को लेके आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, और सिर्फ दिवाली के दिन दिखाना है कि हम धरना कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर आसपास से होते तो शायद मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन आप ये देखिए कि लखनऊ में अगर कोई सहारनपुर से 200-300 किलोमीटर कुछ तो दूर है शायद, वहां से कितनी किलोमीटर की दूरी है वहां से सहारनपुर की, कुलदीप? लगभग होगा सर, या सर बनारस से, चंदौली से, सब बनारस से भी आए हैं, चंदौली से लोग भी आए हैं। मैं, हमारे बगल में बैठी चंदौली से गाजीपुर आई हुई है। सहारनपुर सर, ये समझिए पश्चिम उत्तर पड़ता है, उत्तर प्रदेश का पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक, जिला कम से कम 400-500 किलोमीटर से कम नहीं होगा सर लखनऊ। लखनऊ से? जी सर, जी लखनऊ हाँ से, जी सर। और ये यहाँ किस दिन से चल रहा है सर? ये सर 26 तारीख से चला, तब की लोग अनवरत यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी इतनी दूर से आए, अगर इनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे महिलाएं हैं तो इनकी खबर घर तक पहुंचते पहुंचते दूसरा तीसरा दिन हो जाएगा सर। लेकिन तो कोई सरकार का ये नुमाइंदा यहाँ ना आकर के पूछता है। और ये सर लोकतंत्र में एकदम बहुत ही राजतंत्र टाइप से काम कर रहे हैं, कि मतलब ना तो हम लोगों की सुनी जा रही है, ना तो कोई हमारा दर्द सुना जा रहा है। हम लोग मतलब शिक्षक ना होकर के हम लोगों को एक जानवर समझा जा रहा है। और इस ये जो रामराज की बात करते हैं, रामराज में कोई शिक्षक को ऐसा सम्मान देता है कि उसको बाहर कर दिया जाए, उसकी बात ना सुन करके उसको बदतमीजी से पेश आया जाए। और इस संविधान के चलते हुए भी हम लोगों का एक डिमोटिव कभी हमने कभी नहीं सुना था। जैसे हम लोगों का वेतन 7200 से 5000 हो गया था, हमने कभी नहीं सुना था किसी का वेतन डिमोट किया जाता है, कम किया जाता है। हमने कभी नहीं सुना था कि अगर आप पुरुष हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप महिला हो तो आपको डिमोट कर दिया जाएगा इस सरकार में। तो सर ये सिस्टम ही बहुत ही अजीब चल रहा है, या तो सरकार ही निकम्मी हो रही है, या तो फिर हम लोगों को ही निकम्मा बना रही है। और रोजगार देने की बात करते हैं, कोरोना काल में दुनिया के जितने भी बता रहे थे कि हम रोजगार दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, हम लोग सर भूखों मरे हैं। हमारे विद्यालय में जो संविदा कर्मी है, मानदेय हर महीने नहीं आता है, 6-6 महीना 8 बार आता है। और हमारे कोरोना काल में तो हम लोग को मानदेय भी समय से नहीं मिला, तो हम लोग कैसे जिए हैं सर हमको पता है। और अब एक नया फार्मूला जियो लागू कर दिया कि तुम लोग को बाहर कर दिया जाएगा। मतलब इस कोरोना महामारी में रोजगार दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, तो हम किस लायक हैं? हमको चारा भी नहीं दिया जाता है, तो ये कौन सा सरकार है, कौन सी ये नीति है, कौन सा ये कानून है?